हेलो दोस्तों, मैं सुहैल कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लेकर स्पेशल जो मेरा क्लास चल रहा है दोस्तों, वो है जो आप लोगों का प्यार है जो उसमें बहुत मिला है। निश्चित रूप से है जो वीडियो को आगे भी है जो इसी प्रकार से लाते रहेंगे, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब और लाइक करके आप हमको हौसला जरूर अपने कीजिएगा। दोस्तों आज हम लाइफ चेंजिंग वीडियो के बारे में बता रहे हैं कि आपकी सफलता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप बीपीएससी में आप कट ऑफ है दोस्तों 110 के आसपास से जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसे अचीव करने के लिए हमें कहाँ तक जाना होगा, कैसे जाना होगा। तो दोस्तों आपके लिए लुसेंट का बुक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये लुसेंट का बुक है, और लुसेंट की बुक है जो आपको वर्तमान समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में है जो हम आपके लिए आपसे जो कुछ बातें करेंगे, कैसे है इसको पढ़ना है और इसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से पढ़ना है इसकी है हम जो आपके सामने बात करेंगे। दोस्तों हिस्ट्री की अभी हम है जो सिर्फ हिस्ट्री की बात करेंगे, और हिस्ट्री के बाद है जो फिर है जो दोस्तों हम साइंस की बात करेंगे, फिर पॉलिटी की बात करेंगे, फिर है जो तो दोस्तों हिस्ट्री बिहार से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करीब करीब है दोस्तों जो 35 क्वेश्चन रहते हैं, और 25 क्वेश्चन है जो आपके यहाँ से लुसेंट से, और 10 क्वेश्चन है जो आपके जो बिहार हिस्ट्री से जो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, बिहार स्पेशल एंड आरओबी एनटी किसी के लिए सबके लिए वही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको तीन पार्ट में बांटना है, पहला है जो दोस्तों है जो एंशियंट जो प्राचीन है, दूसरा है जो मिडाइवल है, और तीसरा है जो मॉडर्न है। दोस्तों हमें कहाँ पर फोकस करना है, हमें बिहार के लिए अगर बीपीएससी के लिए पढ़ना है तो एंशियंट और मॉडर्न ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है जो दोस्तों यहाँ से, और 5 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से जो देखने के लिए मिल सकता है। क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। मॉडर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों 1600 से स्टार्ट हो जाता है और 1947 तक जाता है। अब इसमें क्वेश्चन उठाएगा कहाँ से इस पर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो पहला है जो यूरोपीय जो आगमन है दोस्तों वो है जो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो जरूर पूछेगा आपका, है जो पुर्तगाली के बारे में पूछेगा, डच के बारे में, डेनिस के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, डच के बाद ब्रिटिश, फिर है जो डेनिस, फिर स्वीडिश है, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश है जो दोस्तों है जो आ जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो आपको जरूर एक क्वेश्चन को है जो जरूर पढ़ने और क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जो हम बात करेंगे। फिर है दोस्तों यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर है जो आपका गवर्नर जनरल, फिर है जो वहाँ से कुछ मत पढ़िए, फिर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल में आपका है जो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है जो बैटल ऑफ प्लासिक और बैटल ऑफ बक्सर 23 जून 1757 को, और अक्टूबर में है जो दोस्तों है जो बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ से क्वेश्चन, और बिहार का भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि वो जो लड़ाई जो बक्सर की लड़ी गई थी वो बिहार में लड़ी गई थी, और प्लासी है दोस्तों है जो कहाँ लड़ी गई थी, यह जो बंगाल में भागीरथी के किनारे जो लड़ी गई थी, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। फिर वारन हेस्टिंग्स से है जो क्वेश्चन है जो पूछता है, वारन हेस्टिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों उस समय, और उससे है जो क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा। फिर कॉर्नवालिस से क्वेश्चन, यह जो आपको पढ़ना है ताकि जो आप क्वेश्चन है जो आप जो टैकल कर सकते हैं। आप जो कॉर्नवालिस के समय, कॉर्नवालिस के समय जो अस्थाई बंदोबस्त यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, ये जो 19% भाग पे जो लगाया गया था, फिर है जो दोस्तों यही पर रैयत वारी के बारे में पूछ देगा, रैयत वारी 1820 में लगा था, महल वारी 1822 में लगा था, कहाँ कहाँ का लगा था इसके बारे में जो आपको पढ़ना है। फिर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, फिर अगर ब्लेजली पढ़ना चाहते हैं तो ब्लेजली है जो 1798 में हैदराबाद के निजाम से है जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछता है, सबसे पहले है जो उसे उसको जो मिलाया था, तो यहाँ जो उसको है जो आप निश्चित रूप से पढ़ने का प्रयास करें। फिर है दोस्तों यहाँ से आप चले जाइए विलियम बेंटिक के पास, यहाँ पर आपका है जो समाज सुधारक की बात, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को है जो वहाँ पर है जो कैसे है जो ब्रह्म समाज, और उसी समय जो उसको है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है जो उसमें है जो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब यहाँ से है जो क्वेश्चन बनते हैं तब है जो आपको पढ़ना है। फिर डलहौजी के बारे में, फिर कैनिंग के बारे में, फिर है जो लिप्टन और रिपन, बहुत जरूरी है दोस्तों लिप्टन और रिपन 76 से 80 और 80 से 84, ये है जो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा है जो क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, डफरिन से क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। तो ये सब पढ़ते हुए दोस्तों आपको है जो आगे बढ़ जाना है। और फिर है जो दोस्तों है जो चंपारण से आ जाइए, फिर चंपारण से आ जाइए, चंपारण से क्वेश्चन है जो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता दिया, और पढ़ना है कैसे पढ़ना है, हमेशा है जो
आपको है जो अंडरलाइन करके और उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको है जो आपको जरूर अंडरलाइन करना है और उस तरह से है जो पढ़िएगा और जहां जहां उसके आगे पीछे लिख दीजिए कि अगर आपको रिविजन्स करें तो आप है जो उसको है जो पेपर पढ़िए। आप है जो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जिसमें जो हमने लिखा हुआ है जो है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन वहां से है जो हमने दूसरे फैक्ट से है जो लाकर जो पढ़ा तो आपको इस तरह से है जो जरूर पढ़ने का है जो जब पढ़िएगा दोस्तों तो निश्चित रूप से है जो आप इस होता है जरूर मिलेगी। तो आपको इस तरह से है जो आपको क्वेश्चन को है जो टकल करना है। इन चंपारण से इन गांधी जी से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है दोस्तों। गांधी जी के बारे में अगर बात करेंगे तो 1893 से लेकर और गांधी जी का 30 जनवरी 1948 से 48 तक की यात्रा से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कैसे है जो 1893 में वहां जाते हैं अब्दुल्ला जो था अब्दुल्ला के केस लगने से जाते हैं और फिर है जो गोहर युद्ध में उनकी भूमिका फिनिक्स फॉर्म की स्थापना फिर है जो दोस्तों वहां से जो लौटते हैं वापस लौटते हैं 1915 में जो आपका है प्रवासी दिवस मनाया जाता है इनके जो मद्रास में है जो इनका है जो मद्रास में इनका स्वागत होता है फिर है जो BHU में आकर भाषण देते हैं फिर 1917 में है जो दोस्तों है जो चंपारण में जाते हैं फिर है जो सही फिर है जो अहमदाबाद वीर अनुसुईया बेन के साथ जाते हैं फिर है जो दोस्तों आगे है जो उन्होंने जो असहयोग आंदोलन जो प्रथम है जो आंदोलन के रूप में जो जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है दोस्तों फिर वहाँ से असहयोग से कैसे है जो चौरा चौरी कांड के बाद में जो बंद कर देते हैं बहुत सारा इनको निंदा प्रस्ताव जो मुंजे के द्वारा लाया जाता है फिर गिरफ्तार होते हैं 1924 में इनको छोड़ा जाता है 24 में छोड़ने के बाद कुछ दिन है जो रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं रचनात्मक कार्य में भाग लेने के बाद दोस्तों है जो सबने दांडी यात्रा सबने अवज्ञा फिर है जो दोस्तों है जो मैकनाल पर जो पंचायत होता है सांप्रदायिक पंचायत होता है उसमें है जो गांधी अम्बेडकर की 24 सितंबर 1932 को उनकी मुलाकात और यह जो होता है दोस्तों मदन मोहन मालवीय इस पर साइन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर राजनीति से कांग्रेस के सदस्यता है जो त्याग देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फिर है जो कांग्रेस का अधिवेशन 39 तिरपुरी अधिवेशन याद होगा दोस्तों फिर है जो दोस्तों है जो आगे बढ़ते हैं और है जो 1942 में किए जो अंतिम होती है जो करेगा मरो किनारा और यहाँ हिंसात्मक हो जाते हैं गांधी जी और फिर है जो दोस्तों है जो आगे बढ़ते हैं। तो यह जो पूरी यात्रा है जो आपको है जो किस प्रकार से करनी होगी जिसके जिससे है जो आपका है जो प्रॉपर तैयारी है जो हो जाएगा तो निश्चित रूप से दोस्तों है जो आपको इस तरह से जो पढ़ना है लुसेंट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के समय में लुसेंट अभी लास्ट समय में इसको बोला जाता है या लास्ट आवर इसको क्या बोला जाता है दोस्तों लास्ट आवर की सबसे महत्वपूर्ण बुक है जो इसको मानी जाती है। ये है जो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप 100% हम आपको बता दें कि इस बुक से है जो 80+ आपका है आएगा 80+ लुसेंट को ऊपर ऊपर मत पढ़िए उसके हर लाइन को पढ़िए बारीकियों को समझिए तब है जो आप है जो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों जरूर अगर अच्छा लगता होगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और है जो दोस्तों यहीं पर आपको छोड़ते हैं और फिर है जो दोस्तों नए वीडियो के साथ आएंगे और करेंट का है जो दोस्तों हम हर महीने का है जो करवा देते हैं दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।